एवरीवन, वेलकम बैक टू केयर स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डंपर ऑपरेटर के प्रमोशन के बारे में कि उसका इंटरनल प्रमोशन कैसा होता है। जो एज अ डंपर ऑपरेटर ज्वाइन करते हैं तो उनका कैसा प्रमोशन होता है इंटरनल, वो चीज़ें आज अपन देखेंगे। तो जैसा कि फॉर्मेट आपके सामने है, आप फॉर्मेट तो देख ही पा रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखूँ तो देखिए, डंपर ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कैटेगरी, मतलब एक्सकेवेशन कैटेगरी डी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या बोली गई है, क्लास 8, ठीक है, प्लस हैवी लाइसेंस। मतलब आपके पास एक हैवी लाइसेंस होना चाहिए और आप क्लास 8 पास होने चाहिए, ठीक है। ये तो एलिजिबिलिटी भी थी, जब आप डंपर ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया होगा तब ये एलिजिबिलिटी भी मांगा होगा, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी और प्रमोशन में जो इतना सारा ये लिखा हुआ है, तो इसके बारे में शॉर्ट में मैं बताती हूँ। ये जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप जब ज्वाइन करते हैं और जब आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब आप कहाँ पे आते हैं, तब आप कैटेगरी डी के लिए अलॉट होते हैं, या तब आप माने जाते हैं कैटेगरी डी के लिए, ठीक है। इसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद, अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास हैवी लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका प्रमोशन कैसे होता है वो अपन देख लेते हैं। तो चलिए, आप आ गए कैटेगरी डी में, अब आपको आना है कैटेगरी सी में, ठीक है। तो आपका प्रमोशन कैसे होगा, 1 ईयर एक्सपेंसेस एज डंपर ऑपरेटर इन एक्सकेवेशन कैटेगरी डी, मतलब कैटेगरी डी में आपको काम करते हुए 1 साल हो चुके होने चाहिए। जब आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तब आप किसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, या प्रमोट हो जाएंगे एक्सकेवेशन कैटेगरी सी में, ठीक है। मतलब अब आपका प्रमोशन कब कहाँ हो गया, कैटेगरी सी में, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन कैटेगरी बी में हो, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास 3 ईयर्स एक्सपेंसेस एज डंपर ऑपरेटर इन एक्सकेवेशन कैटेगरी सी, मतलब कैटेगरी सी में काम करते हुए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपके पास ये चीज़ होगी तब आप कैटेगरी बी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको कैटेगरी बी से कैटेगरी ए में आना है, ठीक है। कैटेगरी बी से कहाँ आना है आपको, कैटेगरी ए में। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 4 ईयर्स एक्सपेंसेस एज डंपर ऑपरेटर इन एक्सकेवेशन कैटेगरी बी, मतलब कैटेगरी बी में काम करते हुए एज अ डंपर ऑपरेटर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप किसके लिए क्वालिफाई हो, आप कैटेगरी ए के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी पोस्ट क्या है, एज अ डंपर ऑपरेटर ही है। आपकी पोस्ट में कोई चेंज नहीं आया, आपका चेंज किस में आया है, सिर्फ ग्रेड में। कैटेगरी डी से आप सी में, सी से बी में, और बी से ए में आप पहुंच चुके हैं। अब अगर आप और आगे प्रमोट होना चाहते हैं, आप सीनियर एज अ सीनियर डंपर ऑपरेटर वर्क करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 5 ईयर्स एक्सपेंसेस एज डंपर ऑपरेटर इन एक्सकेवेशन कैटेगरी ए, मतलब कैटेगरी ए में काम करते हुए 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप किसके लिए प्रमोटेड हो जाते हैं, सीनियर डंपर ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई कि एज अ डंपर ऑपरेटर आप ज्वाइन करते हैं तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, सीनियर डंपर ऑपरेटर तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो कैटेगरी ए में जो प्रमोशन होता है वो प्रोजेक्ट लेवल में होता है, और जो सीनियर डंपर ऑपरेटर का प्रमोशन होता है वो होता है आपका एरिया लेवल में, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी लोगों को डंपर ऑपरेटर का जो प्रमोशन था तो वो जानना था, कैसे वो लोग प्रमोट होते हैं, कहाँ से कैसे प्रमोट होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है या कहीं पे भी आपको डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे डाउट है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, मेनली आपके आपको इन्फॉर्मेटिव लगना चाहिए। मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसलिए मैं बहुत कम टाइम में वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और जहाँ आपका कम से कम टाइम ले पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।